हमारे बीच में हमारे जिले के पुलिस विभाग के साथी भी आए हैं, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं प्रशासन विभाग ने वही अनुशासन जी। बोलो बोलो बोलो, मेरा निवेदन है साथियों से, वे साथी अनुशासन में जाने क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर आप इकट्ठे हुए? सर, पिछले हम 66 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और पूरे जिले में, पूरे स्टेट में हमारे जिला स्तर पर ऐसे धरने चले हुए हैं और ये गुंगा बैरी जो सरकार है बिल्कुल भी इन्होंने सुध नहीं ली है। पिछले लगभग जितने भी 66 से भी 70 दिन हो गए हैं हमें बैठे हुए और हम बार बार ज्ञापन या DC साहब के माध्यम से हम पुणे सरकार को, इस गुंगी बैरी सरकार को चेताना चाह रहे हैं और आज हमारे समर्थन में आज शिवसेना ने जो राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है, हम उसके समर्थन में, हमारे समर्थन में वो आए हैं, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और आप देखा कि हमने किसान मजदूर कर्मचारी जितने भी संगठन हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगा लो, सभी सरकार से बिल्कुल तंग आ चुके हैं क्योंकि पूरे निजीकरण की तरफ ये सरकार बढ़ रही है। कोरोना, हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये कोरोना महामारी नहीं अवसर है, अवसर का शब्द का इस्तेमाल किया है और लोगों को गुमराह कर इस कोरोना के आड़ में पूरी तरह से सारे संगठनों को, जितने भी हमारे कर्मचारी विभाग है सरकारी विभाग, उनको बेच दिया जाएगा और जब तक यह कोरोना महामारी खत्म होगी जब तक पूरी तरह से निजी हाथों में चला जाएगा और देश गुलामी की ओर बढ़ता जा रहा है इस सरकार में। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम ये मांग करते हैं कि पहली तो हमारी मांग यही है कि हमारी 1983 पीटे जो हरियाणा सरकार ने बिना किसी कारण के 10 वर्षों की जो इन्होंने सेवा करी है उसको बहाल करें, उसी सम्मान के साथ, उसी पद पर, उसी वेतन के साथ इनको बहाल किया जाए और उसके बाद देश के अंदर जितना भी करप्शन के बारे में या कोई भी अन्य मुद्दे हैं, कर्मचारियों के विरुद्ध जो मुद्दे हैं, नीतियां, उसको तुरंत वापस लिया जाए सरकार द्वारा। आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध। आज यहाँ पर आप आए हैं? देखिए, आज हमारी जो शिवसेना पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है आज, वो हरियाणा सरकार को मृत घोषित किया है। तो उस मृत घोषित करने के पीछे वजह ये है कि 1983 PTI टीचरों को बिना वजह हटा दिया गया। इस सरकार का एक ही रवैया है कि सरकार सरकारी तंत्र को ख़त्म कर दे, निजी हाथों में दे दे, निजी हाथों में करोड़ों रुपए में बेच दिया 50-50 सालों तक। वो करोड़ों रुपया BJP सरकार के पास जा रहा है, टीचरों को हटा रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं, देश के बच्चों को अनपढ़ बना रहे हैं। जब सरकारी तंत्र खत्म हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, तो सिर्फ कुछ चंद लोगों का राज, घरानों का राज होगा, तो हमारा पूरा देश गुलामी की तरफ होगा। जिस आज सरकारी कर्मचारी को 30-35 हज़ार रुपये से सैलरी स्टार्ट होती है, उसने खर्चे उसी हिसाब से बना रखे हैं, ये उनको गरीब बनाते जा रहे हैं। हिटलर ने कहा था कि देश की जनता को इतना तड़पा दो कि वो रोटी खाने को ही अपना विकास समझे। ठीक, नरेंद्र मोदी और इसके जितने नेतागण हैं, चमचे हैं, वो सभी यही काम कर रहे हैं कि जनता को भूखा मारो, रोटी भी देंगे तो गिन गिन के देंगे। मीडिया भी अधिकतर बिक चुकी है, कुछ साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं जो बड़ी बड़ी मीडिया को खरीद लिया, राजघरानों ने आज हमारी जो सरकारी तंत्र की जो व्यवस्थाएं थी, महकमे थे, उनको खरीद लिया। तो देश कहाँ जा रहा है? देश गुलामी की तरफ जा रहा है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है और हम खुश हो रहे हैं। हम खुश हैं कि कोरोना
कि बीमारी है, मुंह पे मास्क लगा के घूम रहे हैं। कोरोना अमित शाह को नहीं हुआ, अमित शाह ठीक हो गया, वैक्सीन बड़ी नहीं फिर भी ठीक हो रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। बड़े बड़े MBBS डॉक्टर हैं, MD हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर गाजर मूली का भी टेस्ट करा लोगे, आलू का भी करा लोगे या पत्थर का भी करा लोगे, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव नेगेटिव, गरीब आदमी का नहीं होया और ना किसी भिखारी को हुई है बीमारी, किसके हो रही है, मृत्यु रेट कम हो गया। अगर बीमारी थी इतनी भयानक तो सिर्फ इंडिया के अंदर ये मृत्यु रेट बढ़ा क्यों नहीं? इसकी आड़ में इन्होंने क्या किया, टीचरों को खत्म कर दिया, स्कूलों को खत्म कर दिया, जो लोग एडमिट हुए इसकी आड़ में उनके गुर्दे, किडनी, हार्ट सब कुछ निकाल लिए, बेच दिया। सर आप मांग क्या करते हैं सरकार से? मांग ये करते हैं कि इस कोरोना जैसी बीमारी का जो भया हुआ इन्होंने पैदा कर रखा है, इसको हटाए, हमारे देश को सुचारू रूप से चलने दे। और ये मोदी जो है ये किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, इसको अपने कानों में ये बात डालनी होगी, ये पूरे देश का प्रधानमंत्री है। ये सिर्फ सोच रहा है कि मैं तो एक पार्टी का प्रधानमंत्री हूँ। जब ये झंडा फहराने जाते हैं 15 अगस्त पे लाल किले पे, तब तो मुंह पे कपड़ा होता नहीं, और जब भाषण देने होंगे, जब बहुत बड़ा लंबा गमछा काट लेंगे और मुंह पर धर लेंगे कि भाई कोरोना हो रहा है, उस टाइम तो फोटो सेशन होगा इनका। तो इस वजह से ये कहना चाह रहे हैं कि भाई टीचरा ने बहाल कर दो, गुलाम ना बनाओ देश ने, अगर यह जनता और युवा जागी और शिवसेना अच्छी तरीके से चल पड़ी ना तो इनकी जड़े उखाड़ देंगी। और बीजेपी का इलाज सिर्फ शिवसेना पार्टी है और कोई नहीं। तो सर शिवसेना किस तरह समर्थन में उतरेगी पीटीआई समर्थन? आज तो सरकार को मार दिया और नहीं मानेंगे फिर जबरदस्ती भाई बहाली करा देंगे, इस तरह बड्डी तो कोई बात नहीं। एक महाराष्ट्र में सरकार है, उससे तो बीजेपी गिराने की बात कह रही थी, उद्धव ठाकरे ने कही कि सरकार गिरा के देखो फिर तमाशा देखो। तो भाई वह है, ढंग से चलाओ देश ने, नहीं चलाओगे तो जबरदस्ती भी शासन लेना हो। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर आप इकट्ठे हुए? सर पिछले हम 66 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और पूरे जिले में, पूरे स्टेट में हमारे जिला स्तर पर ऐसे धरने चले हुए हैं। और ये गुंगा बैरी जो सरकार है बिल्कुल भी इन्होंने सुध नहीं ली है, पिछले लगभग जितने भी 66 से 70 दिन हो गए हैं हमें बैठे हुए। और हम बार बार ज्ञापन या DC साहब के माध्यम से हम पुणे सरकार को, इस गुंगी बैरी सरकार को चेताना चाह रहे हैं। और आज हमारे समर्थन में आज शिवसेना ने जो राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है, हम उसके समर्थन में, हमारे समर्थन में वो आए हैं, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और आप देखा कि हमने किसान मजदूर कर्मचारी जितने भी संगठन हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगा लो, सभी सरकार से बिल्कुल तंग आ चुके हैं, क्योंकि पूरे निजीकरण की तरफ ये सरकार बढ़ रही है। कोरोना, हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये कोरोना महामारी नहीं, अवसर है, अवसर का शब्द का इस्तेमाल किया है और लोगों को गुमराह कर इस कोरोना के आड़ में पूरी तरह से सारे संगठनों को, जितने भी हमारे कर्मचारी विभाग है सरकारी विभाग, उनको बेच दिया जाएगा। और जब तक ये कोरोना महामारी खत्म होगी, जब तक पूरी तरह से निजी हाथों में चला जाएगा और देश गुलामी की ओर बढ़ता जा रहा है इस सरकार में। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम ये मांग करते हैं कि पहली तो हमारी मांग यही है कि हमारी 1983 पीटे जो हरियाणा सरकार ने बिना किसी कारण के 10 वर्षों की जो इन्होंने सेवा करी है उसको बहाल करें, उसी सम्मान के साथ, उसी पद पर, उसी वेतन के साथ इनको बहाल किया जाए। और उसके बाद देश के अंदर जितना भी करप्शन के बारे में या कोई भी अन्य मुद्दे हैं, कर्मचारियों के विरुद्ध जो मुद्दे हैं, नीतियां, उसको तुरंत वापस लिया जाए सरकार द्वारा। आपका नाम क्या है? जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।